नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाया जा सकता है। लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से, लगभग सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से मिला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ट्वीट करके उन्होंने ये थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला किया है। केजरीवाल के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दुनिया के कई देशों से भारत की हालत बेहतर है। तो ये बड़ी खबर इस बात के, हालांकि अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी, लेकिन कोरोना पर विभिन्न राज्यों के साथ आज जो ये महत्वपूर्ण बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, उसमें लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सहमत हैं और सभी ने ये प्रधानमंत्री को सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन की डेट जो है, लॉकडाउन का जो ये वक्त है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। इस पीरियड को लगातार, चूंकि केस बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा फिलहाल होता दिख रहा है हर जगह से, तो ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाना ही सबसे बेहतर विकल्प, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन आखिरी फैसला प्रधानमंत्री को लेना है और हो सकता है कि आज वो इस बात को क्लियर भी कर दें, अनाउंस कर दें। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, अब इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री आखिरी फैसला ले और इसे लेकर वो ऐलान करें। देखिए शीरिन, एक बात जो हमें अभी जानकारी दी गई है, यह जानकारी हमारे पास आई है कि प्रधानमंत्री कम से कम आज इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया है, यानी कल या परसों करेंगे इसकी घोषणा की, जो भी लॉकडाउन का है। लॉकडाउन 14 दिन के लिए बढ़ रहा है, ये भी तय है। और एक बात और, 3 सप्ताह पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है, आज उन्होंने कहा कि जान भी और जहान भी, तो कहीं ना कहीं संकेत है कि COVID-19 से लड़ने के लिए जो इस बार का स्ट्रेटेजी होगी वो पिछले लॉकडाउन से अलग स्ट्रेटेजी होगी, यानी लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी इस लॉकडाउन की घोषणा के समय प्रधानमंत्री द्वारा, यानी जो किसान है, जो मजदूर है, या फिर जो आर्थिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं या तो पैकेज की घोषणा होगी या फिर कुछ उनको राहत देने का ऐलान किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा। तो सीधे तौर पर यही है कि इस बार की घोषणा जो कल परसों में होने वाली है उसमें एक अलग तरह का स्वरूप होगा, एक अलग स्ट्रेटेजी होगी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी कोरोना वायरस से लड़ाई में। रविंद्र, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर चुके हैं, हालांकि वो अपने तरीके से बता रहे थे, चूंकि तमाम मुख्यमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े पीएम से, उन सभी की एक राय थी, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की, कि लॉकडाउन का ये दायरा भी बढ़ाया जाए क्योंकि देश में स्थिति अभी उतनी बेहतर नहीं हुई है, संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, मौत की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और यही प्रधानमंत्री और देश के लिए भी चिंता की बात है। जो कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक जान की कीमत भी हमारे लिए काफी अहम रखता है, यानी हर जान और जहान दोनों को बचाने की बात इस बार प्रधानमंत्री ने कही है, और यही बात सभी मुख्यमंत्रियों ने भी कहा, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में लगभग सबकी सहमति है। हालांकि अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक पैकेज की भी बात कही है, अपनी जो स्टेट की जो इकोनॉमी की हालत है उसको लेकर भी चिंता जताई है प्रधानमंत्री से, और ये गुजारिश भी की है कि इसको लेकर केंद्र सरकार एक फैसला करे। तो कहीं ना कहीं जो पैकेज की भी घोषणा हो सकती है, लॉकडाउन की भी घोषणा होगी प्रधानमंत्री द्वारा, और इसके अलावा जो अन्य जो वर्ग है उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत पैकेज की होगी, चाहे किसानों के लिए हो या मजदूरों के लिए हो या फिर इंडस्ट्री के लिए हो, उन सभी के बातों को ध्यान रखकर ही बताया जा रहा है कि एक अलग स्ट्रेटेजी के तौर पर इस बार का लॉकडाउन होगा, क्योंकि कंट्री को भी आगे बढ़ाना है, लोगों की जान भी बचाना है, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस बार कहा जान भी और जहान भी। बिल्कुल रविंद्र, आप रहिए मेरे साथ, मुंबई का रुख कर लेते हैं एहसान अब्बास, चूंकि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वहां पर लगातार, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एहसान, आप चूंकि हर मुख्यमंत्री की तरफ से लगभग यही सुझाव प्रधानमंत्री को मिला कि यहां पर इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, बात महाराष्ट्र की करें तो वहां तो कंडीशन बहुत खराब है, सबसे ऊपर है संक्रमितों की संख्या। जी बिल्कुल, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री लॉकडाउन की जो अवधि है उसे एक्सटेंड करते हैं, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ठीक है एहसान, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है, वो देखो के हेड्स की जिम्मेदारी होगी कि वे सोशल डिस्टेंसिंग
और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का अनुपालन सख्ती से करें। जिला अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होगी कि वे इन गाइडलाइंस का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट सुनिश्चित करें। आज गृह मंत्रालय ने स्टेट्स और यूटीज को पत्र लिखकर फिर से आग्रह किया है कि डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ को आवश्यकता अनुसार पुलिस सिक्योरिटी दे अस्पतालों में जब वे स्क्रीनिंग हेतु जाते हैं और जहां पेशेंट्स क्वारंटाइंड हैं। एसेंशियल कमोडिटीज और सप्लाईज की स्थिति नियंत्रण में है और हर लेवल पर मॉनिटर हो रही है। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग आगे आ रहे हैं। हमारे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी इस मुहिम में आगे आए हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और इसमें अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। अपने परिसरों में क्वारंटाइन कैंप लगाने के अलावा उन्होंने इस संदर्भ में कई कदम उठाए हैं। सीएपीएफ जनता में जागरूकता फैला रहे हैं। उनकी चिकित्सा टीमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रही हैं। उन्होंने कई स्थानों में स्ट्रैंडेड वर्कर्स इत्यादि को सूखा राशन और पैक्ड भोजन उपलब्ध कराया है। वे अपने अस्पतालों में भी सुविधाएं विकसित करके आम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि हम सबके सहयोग से कोविड चेन को तोड़ने में सफल होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीएमआर प्लीज। आज तक हमने 171,718 सैंपल्स का टेस्ट किया है। उनमें से 16,564 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। इन 16,564 में जो आईसीएमआर का नेटवर्क है उसमें आज के तौर पे हमारे 146 लैब्स हैं। उनमें से हमने 14,210 लोगों का सैंपल टेस्ट किया। प्राइवेट लैब्स की संख्या अभी 67 है। उनमें 2,354 सैंपल्स को टेस्ट किया गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर प्लीज। जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि जिस दिन से कोविड-19 ये डिजीज हम लोग के सामने आई है, इंडिया का रेस्पॉन्स हैज ऑलवेज बीन ऑन अर्ली एक्शन। हम लोग प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड उस पद्धति के तहत देश में काम कर रहे हैं। हमारी एक ग्रेडेड अप्रोच रही है जिसके तहत जैसे जैसे सिचुएशन देश के बाहर इमर्ज होती रही उसी तरीके से हमारा उससे अलाइन करते हुए हमारा रेस्पॉन्स कोविड-19 के प्रति रहा है। आज देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए राज्यों के साथ पीपीईज, N95 मास्क, टेस्टिंग किट्स, मेडिसिन, वेंटिलेटर्स और इसी तरह से रिलेटेड क्रिटिकल सप्लाई को एंश्योर कर रही है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जिनके द्वारा इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके उसको भी स्टेट के साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और अब तक की अगर संख्या देखें तो 586 डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट ने हमें रिपोर्ट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलाकर, जिसके द्वारा करीब 1,00,000 प्लस बेड्स, आइसोलेशन बेड्स और करीब 11,500 जो उसमें आईसीयू बेड्स भी उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। और मैं आप लोगों को दृष्टि में लाना चाहूंगा कि यह फिगर दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन इवेंचुअलिटी। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टिंग और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए जो अपनी एक गाइडलाइन जारी की थी उसके द्वारा उन्होंने फिर कहा है जिले के जितने डीएम्स हैं कि आप जब डिस्ट्रिक्ट का कंटिजेंसी प्लान बनाएं तो उसमें उन गाइडलाइंस को भी शामिल किया जाए। स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर एफर्ट है कि कंटेनमेंट पॉलिसी, कंटेनमेंट एक्शन प्लान, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्लिनिकल मैनेजमेंट पेशेंट्स का ढंग से किया जाए, तरीके से किया जाए। और इसी के तहत ही इससे पहले भी एम्स में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। एक और सीरीज ऑफ वेबिनार्स जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए इस वीक हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के माननीय मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए उसमें सब लोगों ने मिलकर
कलेक्टिव अपने रिजॉल्व को बताया है कि हमें किसी भी तरीके से इस महामारी से बचना है और मिलकर हम सब लोगों को इसमें काम करना है। अब तक का अगर डेटा देखें तो 642 लोग 642 पीपल दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। कल 1035 टोटल इंक्रीज्ड केस में नोट किया गया है और जिसके साथ ही टोटल केसेस की संख्या 7447 हो चुकी है। यस्टरडे 40 डेथ्स वर रिकॉर्डेड और जिसको मिलाएं तो टोटल 239 डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर स्टडी क्या वह आईसीएमआर की स्टडी है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आईसीएमआर की ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन उस स्टडी से संबंधित वह स्टडी नहीं है मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि एक्चुअली में ये एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ केसेस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक एनालिसिस की थी। वो एनालिसिस शायद आप उस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस एनालिसिस के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। जैसे हम सबको पता है 22 मार्च को हम लोगों ने जनता कर्फ्यू देश में इम्प्लीमेंट किया था जिसमें देश के हर नागरिक ने अपना सपोर्ट दिया। 25 मार्च से हम नेशनल लॉकडाउन की स्थिति में हैं। अगर हम देखें कि हम कोई लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर नहीं करते तो ये केवल एक स्टैटिस्टिकल रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ड एनालिसिस है, जिसको कि मैं फिर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये कोई आईसीएमआर की स्टडी नहीं है, ये केवल स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसके द्वारा हमें देखा कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। और उसी के तहत अगर हम लोग जो हमारा लॉकडाउन से पहले की स्थिति है उसमें हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ केसेस करीब हाईएस्ट जो है 28.9% रिकॉर्ड हुआ, तो उसके तहत शायद हमारे 1.2 लाख केसेस 15 अप्रैल तक हम रीच कर पाएंगे। और उसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स, जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें, तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्सट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7447 केसेस हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 200,000 केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूंगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें। इसके साथ ही मैं हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूं कि जो मेजर एक्शन है वे फील्ड पे हमारे सेनानी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ्रंट लाइन वर्कर्स इस बैटल को, हर तरह के रिस्क को, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को भी होते हुए भी आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उससे संबंधित एक आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर आया था वह आगरा में आया था और उस क्लस्टर पर कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और कैसे फील्ड साइपर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलकर काम किया, तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा एक्शन, हमारी पूरी अप्रोच हमेशा से रही है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। हमने उसमें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम था उसको इस्तेमाल किया। हमारा फोकस रहा एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स पर, और हमने साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए मेडिकल अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया। इसके साथ ही जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से हमारे फील्ड पर हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए भी हमने फूड और सिविल सप्लाई फॉर नीडी उस पर काम किया, इसेंशियल सप्लाई चेन को मेंटेन किया। और यह सब कार्य करते हुए कैसे हमें सिटीजन को इन्वॉल्व करना है यह भी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था जिस पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। इससे पहले भी आप लोगों की नॉलेज में आता रहा है कि अगर कोई भी एक केस पाते हैं तो हम उस केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भाग में हम पूरा वेरीफाई करते हैं वे केस कहाँ कहाँ गया। तो जैसे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये पहला केस उनकी दृष्टि में आया 25 फरवरी में तो उन्होंने उस पूरे केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कि वह दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली से आगरा कब गए, आगरा में वो अपने घर पर रहे या अपनी फैक्ट्री में रहे, उसके अलावा किस किस रेस्तरां में गए, उस रेस्तरां में किससे इंटरेक्ट किया, तो वह एक हमारा कॉन्टैक्ट बनता है। उसके तहत जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एपिसेंटर और हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन किया। उसके बाद हर बार हम आप लोगों की दृष्टि में लाते रहे हैं कि हमारा एक क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान, हमारा एक आउटब्रेक कंटेनमेंट प्लान होता है
जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी जो सेंट्रल टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एपी सेंटर को आइडेंटिफाई किया। एपी सेंटर को मैप पे आइडेंटिफाई करके कितने पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पॉजिटिव केस का इम्पैक्ट रहा उसको मैप पर डिलीनेट किया गया। डिलीनेट करने के बाद उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई। तो जैसे उन्होंने 3 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने कंटेनमेंट जोन माना, 5 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने उसके बफर जोन के तहत मानते हुए उसके अंदर जितने भी हमारे अर्बन परमानेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया। साथ में हर पर्टिकुलर एरिया का उन्होंने एक माइक्रो प्लान बनाया। 1248 स्पेशल टीम्स बनाई गई जिसमें कि नगर निगम और हेल्थ के स्टाफ ने मिल मिलकर जाकर घर घर पर सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने पूरे जितने भी पॉपुलेशन थी करीब 9.3 लाख लोगों का उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया। और उसके बाद उसमें उन्होंने जब हाउस टू हाउस सर्वे किया तो 2500 लोगों को ऐसा पाया गया जिनको कफ, कोल्ड या फीवर के सिम्टम्स थे और जिसके तहत उन्होंने फिर उनका सैंपल बेस्ड ऑन सैंपल क्राइटेरिया उससे से करके मॉनिटर किया। आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के पार्ट में उन्होंने अपने आगरा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट किया। सेंट्रल हेल्पलाइन एस्टैब्लिश की गई, मल्टी फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई गई जिन्होंने पर्टिकुलर हेल्थ के अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स पर एक्ट किया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों ने मिलकर लॉकडाउन और क्लस्टरिंग के ऊपर भी काम किया। जब हम यह काम कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कैसे आइसोलेशन फैसिलिटीज और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज और क्लस्टर कंटेनमेंट में काम हो उस पर पूरा फोकस किया गया जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक हमारा मेजर कॉम्पोनेंट रहा। साथ में हमने क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया और जितने भी क्लस्टर्स थे उनको जैसे कि आप यहां देख भी रहे हैं उनको एक्टिव सर्वे और कंटेनमेंट के थ्रू उन्होंने मैनेज किया। व्हाइल ऑल दीज एफर्ट्स वर गोइंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट को मैनेज करना भी उतना ही बड़ा एक चैलेंज था। तो जिसके तहत उन्होंने लोकल प्रोवाइडर्स ऑफ फूड और मेडिकल सप्लाईज को आइडेंटिफाई किया और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को डोर डिलीवरी के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट कराया। साथ ही इसेंशियल कॉमोडिटीज को मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उन्होंने ई फास्ट फैसिलिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसके साथ ही वाइल ये सारे एफर्ट्स चल रहे थे तो कैसे हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, एनिमल्स एंड काउज है, उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कोऑर्डिनेशन, हमारे वल्नरेबल सेक्शन जो होमलेस एंड नीडी है उनका खाने से रिलेटेड और उनके रहने से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करना, ई कॉमर्स को प्रमोट करना ताकि उसके द्वारा हम डोर डिलीवरी ले सकें। इसको करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक सेल्फ रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसके थ्रू वह अपना रिस्क डेफिनेशन पा सकते थे, वह अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको आरोग्य सेतु के बारे में बताया है तो उसके थ्रू वो हेल्पलाइन के थ्रू बात कर सकते हैं और साथ ही जितने भी सिटीजन के रेस्पॉन्स आए उनको क्लासीफाई किया गया मीडियम और हाई रिस्क में और जो भी मीडियम और हाई रिस्क केसेस पाए गए उनको आउटबाउंड कॉल के द्वारा मॉनिटर भी किया गया। यह सारा कार्य करते हुए आज डिस्ट्रिक्ट में जब टोटल हमारे 92 केस आए, 92 केसेस आए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 5 केसेस आर फुली रिकवर्ड, 87 केसेस आज भी हॉस्पिटल्स में अंडर वॉच हैं और खुशी की बात यह है कि उनमें से कोई भी केस क्रिटिकल नहीं है। इस पूरे कार्य को करते हुए जिले ने 38 एपिसेंटर आइडेंटिफाई किए थे जिसमें से 10 एपिसेंटर में काम करते हुए उनको पूरी तरह से क्लोज भी कर दिया गया जहां पर कि कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, कोई हाई रिस्क केस नहीं पाया गया है। यह पूरा एफर्ट करते समय पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने 566 बेड्स का पेड क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए। इसी तरीके से 3060 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स फॉर पीपल टू स्टे उसको फ्री सेंटर्स बनाए गए और साथ ही जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वह अपने हॉस्पिटल के पास ही काम कर सके तो उनको भी उन्होंने ऑफिशियल क्वारंटाइन सेंटर्स बना के हॉस्पिटल्स के पास रखकर उसके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। आज यह सब मैं आपकी दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि हमारा फील्ड वर्कर पिछले 2.5 महीने से हर तरीके से इस महामारी से जूझ रहा है। उनका प्रोत्साहन बढ़ाना बहुत जरूरी है, उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं अंत में ही कहना चाहूंगा सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग पर हमें फोकस करना है। हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम भारत की तरफ से दुनिया के लिए अच्छी एग्जाम्पल साबित करें कि जब हर तरीके से दुनिया जूझ रही थी तो भारत ने एक सक्सेस क्रिएट करके दिखाया कि हम लोगों ने कलेक्टिव मिलकर इस महामारी से लड़ाई में जीता। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं 2 मंत्रालयों की अतिरिक्त जानकारी आपके सामने रखूंगा। डिस्पाइट लॉकडाउन देयर हैज बीन मोर देन 11% इंक्रीज इन एरिया कवरेज अंडर समर क्रॉप्स एज ऑन यस्टरडे। दिस इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर।
फ्रॉम द रेलवे मिनिस्ट्री मोर देन 1 million फ्री हॉट कुक्ड मील्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीडी पर्सन्स बाय इंडियन रेलवे अक्रॉस 313 लोकेशन इन द कंट्री. द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन पीआईबी वेबसाइट. नाउ वी टेक क्वेश्चन. अवंतिका घोष, इंडियन एक्सप्रेस. So my question is for ICMR, how many rapid test kits have we got so far, and also the fact that WHO has given out a scientific brief where it says that these are only to be used in research settings and nowhere else, and so on what basis are we then going ahead with the use in the clusters and other places? Abhi tak जो सप्लायर ने बोला है डिलीवरी करेगा वो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन वो 2-3 दिन में देने का बोल चुका है. तो किट्स तो आएंगे, अब उसका इस्तेमाल कैसे होगा. ये एंटीबॉडी किट्स हैं. एंटीबॉडी किट्स रहने की वजह से वो देरी से पॉजिटिव आते हैं. जब वो आते हैं वो किस चीज का निदर्शक होते हैं, वो ये बताते हैं कि इंसान के शरीर में ये विषाणु गया था क्या, वो विषाणु पहले गया होगा इंसान ठीक हो गया होगा, या तो ऐसे होगा कि वो विषाणु आज भी है तो उसको बाद में पीसीआर करना पड़ता है. अब इसका फायदा कहाँ होगा. इसका फायदा दो जगह पे होगा. आप अगर हॉटस्पॉट्स में जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि कितने लोगों का एक्सपोजर हुआ है, यानी अपने यहां बीमारी कितनी फैली हुई है, ये अगर समझना है तो ये किट को इस्तेमाल करके आप ट्रेंड निकाल सकते हैं. यानी आज इतने लोगों को हुई थी वो हॉटस्पॉट में, कल इतने लोगों को हुई, तो मैं कंटेनमेंट मेजर्स में कितना सक्सेसफुल रहा. दूसरा फायदा इसका क्या होता है, जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर है, वो हेल्थ केयर वर्कर का मैंने टेस्ट किया, उसकी टेस्ट अगर पॉजिटिव आई, उसका पीसीआर अगर निगेटिव आया, तो वो इम्यून हो चुका होगा, इसलिए वो काम को जा पाएगा. नहीं तो जो डर रहता है मन में कि क्या वो वापस जा सकता है, वापस जाने के बाद में दूसरे को बीमारी लगेगी क्या, ये डर निकालने के लिए भी ये टेस्ट काम आएगी. तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप अवेयर हो सकें कि सरकार की तरफ से कौन कौन से जो महत्वपूर्ण कदम है कोरोना संक्रमण से इस युद्ध में, इस लड़ाई में जो जारी है लगातार, वो आपको बताए जा रहे थे. वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, लौटते हैं.